फ्रेंड्स, आई एम अल्बिना. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्बिनास मेकओवर. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ सीटीएम. आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू कि सीटीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, इसके क्या एडवांटेज हैं, इसको ना करने के क्या डिसएडवांटेज हैं और ये दिन में कितने बार हमको करना चाहिए. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, मोस्टली ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि सीटीएम क्या है. सबसे पहले जानने के लिए ज़रूरी है कि सीटीएम का फुल फॉर्म क्या है. सीटीएम मतलब सी फॉर क्लिनजिंग एंड टी फॉर टोनिंग देन एम फॉर मॉइस्चराइजिंग. मतलब सीटीएम का जो फुल फॉर्म है क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सीटीएम करने से आपकी स्किन मेंटेन रहेगी, आप प्रॉब्लम जो भी है आपके स्किन के उनको आप अवॉइड कर पाएंगे और मेन चीज़ है कि आपके जो पीएच लेवल है वो बैलेंस रहेगा. स्किन के ऊपर के टॉक्सिन जो है वो आप हटा पाएंगे और आपकी स्किन में जो पोर्स होते हैं, कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि बहुत ओपन पोर्स होते हैं, वो पोर्स जो है वो धीमे धीमे आप जैसे जैसे सीटीएम करेंगे तो वो आपके पोर्स जो है वो श्रिंक होते जाएंगे. सीटीएम करने से आपके पोर्स जो है ओपन पोर्स वो टाइटन हो जाते हैं, जिससे आपको एक्ने प्रॉब्लम कम होता है, ऑयल प्रॉब्लम भी आपका कंट्रोल हो जाता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो हेल्दी, ग्लोई और प्लम्पी दिखती है. चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सीटीएम का फर्स्ट प्रोसेस, जिसको हम क्लिनजिंग बोलते हैं, जो कि सबसे पहला प्रोसेस रहेगा हमारे सीटीएम. फ्रेंड्स, क्लिनजिंग के लिए मैंने सिंपल का फेस वॉश लिया है. क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे स्किन पर जो गंदगी, पल्यूशन, मेकअप, सारी चीज़ें जो हमारी स्किन फेस करती है और फिर जो सारे टॉक्सिन होते हैं वो हमारे पोर्स तक पहुंच जाते हैं. क्लिनजिंग नहीं करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि फेस पर डेड स्किन सेल की एक परत जम जाती है. तो आप क्लिनजिंग नहीं करेंगे तो आपकी स्किन एकदम डल, लाइफलेस नज़र आएगी और पोर्स भी ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, एक्ने जैसी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे. जब आप फेस ड्राई करते हैं तो टॉवल ड्रैग मत कीजिए, डैप डैप करके ही स्किन को जो है ड्राई कीजिए, वरना इरिटेट हो जाएगी आपकी स्किन. फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप में मैं न्यूट्रोजीना का टोनर ले रही हूँ अपने फेस पर, जो मैं कॉटन पैड की हेल्प से अप्लाई करूँगी. वैसे तो क्लिनजिंग जो है काफ़ी सारी जो हमारी फेस की इम्प्योरिटीज़ है उसको निकाल देती है, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ बाकी रह जाती है जिसको टोनर जो है वो क्लीन कर देता है. टोनर यूज़ करने से आपके जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स, वो श्रिंक हो जाते हैं, ऑयल कंट्रोल होता है और बची कुची जो भी डर्ट, गंदगी है आपके फेस से वो सब निकल जाती है. मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अल्कोहल फ्री ही टोनर आप यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी फेस की जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी. फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप में मैं मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ. न्यूट्रीजीना का वाटर जेल है ये. अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते हैं तो आपके जो पोर्स हैं वो ढीले और ड्राई पड़ जाएंगे, जिससे आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको क्लिनजिंग, टोनिंग के बाद ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको आपकी स्किन को नरिशमेंट भी देना ज़रूरी है. अगर आप यूज़ नहीं करते हैं मॉइस्चराइज़र का तो आपकी स्किन जो है डल और डिहाइड्रेट नज़र आती है. तो प्लीज़ मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई कीजिए. इसको प्रॉपर तरीके से आपको अप्लाई करना है, 2 से 3 मिनट सर्कुलर मोशन में और अपवर्ड डायरेक्शन में ही आप इसको लगाइए. फ्रेंड्स, देन फोर्थ पार्ट में वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीटीएम में लास्ट पार्ट में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ज़रूरी है, वरना सन रेज आपका जितना भी क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग है उसको ख़राब कर देगा. तो सारी चीज़ें सीटीएम प्रोसेस को पूरा करने के बाद कंप्लीट, आप एक अच्छा सनस्क्रीन जो है ज़रूर अप्लाई कीजिए. सनस्क्रीन की लेयर करना आपके फेस पर ज़रूरी है, क्योंकि बिना सनस्क्रीन के जो भी आपने सीटीएम प्रोसेस किया है वो सारा आपका ख़राब हो जाएगा. फ्रेंड्स, ये था हमारा सीटीएम प्रोसेस, जो आपको कम से कम दिन में 2 बार करना ज़रूरी है. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट दिन में 1 बार कर सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मैं बोलूँ तो आपको नाइट में तो करना ही चाहिए, ताकि आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपकी स्किन जो एकदम फ्रेश, ग्लोई और हेल्दी दिखे. और अगर आपको मेरे ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को एंड प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि जो मैं आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें. तो गाइस, सी यू, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.